कैसे आप सब लोग आए हो? कब सभी अच्छे होंगे? तैयार? अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है वैसे? टाइम तो मुझे भी नहीं पता कितना हो रहा है, देखता हूँ। आ रहा हूँ, टाइम हो रहा है 4:20। हाँ, ला कर दे रहा हूँ चार्जर आपका। तो टाइम हो रहा है 4:20 और मैं अभी तैयार हो चुका हूँ और फिर मैं निकल रहा हूँ बाहर। मतलब भाई, ठंड का टाइम है तो अपन एक ही उड़ी डाल सकते हैं, 10 तो है नहीं अपने पास। तो अभी तुम्हारे भाई ने गोप्रो वाला सिस्टम कर लिया, मतलब वही मोबाइल माउंट लगाने का, मोबाइल लगाने का। तो अभी इस पर मोबाइल लगाएंगे और बाहर चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा क्या आता है। तो आप मुझे बताना कैसा लगा आपको ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। तभी मैं निकलता हूँ, गाड़ी साफ़ करनी है वैसे मुझे, गाड़ी साफ़ करता हूँ फिर निकलता हूँ। मंगा रही थी मम्मी को चार्जर, दे देते हैं ले जाके। तो ये चार्जर है उनका, तो अपन भी निकलते हैं जूते तो पहन के। आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ है अपना हेलमेट। ये लो भाई चार्जर आपका। नहीं, हाँ, चाय पीऊँगा। तो ये रखा अपना हेलमेट, ये इसको अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। भाई टूटा है, थोड़ा सा इग्नोर मारना, बाकी यही है अपने पास जो भी है अभी सहारा है। तो इससे ही करते हैं अपन आज, ट्राई करके देखते हैं। अपनी गाड़ी वाड़ी गंदी बाहर खड़ी करने के बाद तो थोड़ा सा इस पर कपड़ा फेरते हैं अपन, फिर निकलते हैं। बेबी है बेबी। सो गाइस, अभी रेडी हो चुका हूँ, मेरा बैग किधर रखा है, बैग उठाता हूँ और निकलता हूँ। पहले तो चाबी उठा ली जाए, चाबी कहाँ है? और मैं पहले ज़रा ये उठाने के बाद एक बार आवाज़ वगैरह चेक कर लेता हूँ, सही आ रही है नहीं आ रही है, फिर ही मैं देखता हूँ जो भी सीन है। दादी मिलते हैं, आता हूँ घूम के ज़रा एक छोटी सी राइड लेके। सो गाइस, अभी निकलते हैं घर से, पता नहीं कब तक टिकेगा कब तक नहीं। सही आ रहा है ना? हाँ ठीक है, सही लग रहा है। तो अभी घर से निकल चुके हैं, यहाँ थोड़े गड्ढे हैं तो हेलमेट भी हिल रहा है, तो ज़रा मैं इसको मेन रोड पर जाकर ही करूँगा सही, चालू वहीं से करता हूँ इसको। तो ऐसे आ चुका है सामने पेट्रोल पंप, अभी यहाँ चलते हैं पेट्रोल डलाते हैं। वैसे आ रही है इनसे बचकर चलना पड़ता है, HP पेट्रोल पंप। ओ बहन जी हट जाओ सामने से, अरे 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 अरे, ये देखो कैसे बचकती हैं। तो भाई अपन पेट्रोल डलाते हैं पहले, जो कल तक खुदा हुआ रोड हुआ करता था वो भी आज अभी बन चुका है आधा। अरे भैया आराम से चलाओ। तो अभी ये रोड आधा बन चुका है, आधा खुदा हुआ, और ठंडी बहुत तेज है। तो अभी ये आधे कच्चे रोड से निकालता हूँ पहले। वो दचके तो बड़े हैं भाई, भोपाल की रोड पे दचके ना हो तो कुछ भी नहीं है फिर। तो भाई पब्लिक रिएक्शन तो इतना कर रहा आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब जिसको देखो वो सिर्फ फ़ोन को देख रहा है, मुझे देख रहा है कि भाई ये करना क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है ये बंदा। अरे यार भाई रिएक्शन तो बहुत कर रहे आ रहे थे, बट वो दचको वाला रास्ता था तो मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर पाया और ना आपको दिखाता। अभी भी लोग देखना बद बदा पे, मैं अभी ब्रेक डालने के लिए रुकूंगा, मछलियों को तब देखते हैं कैसे क्या रिएक्शन आते हैं। तो अभी बद बदा पहुँचने वाला हूँ मैं, बाकी मस्त मज़ा आ रहा मुझे तो ब्लॉगिंग करने में, फोटो ब्लॉगिंग करने में। अपन ब्रेक डालते हैं रोज मछलियों को, तो आज भी डाल कर ही चलेंगे, यहीं रोक लेता हूँ यार, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। वैसे भी कोई है तो है नहीं, क्या रिएक्शन आएंगे। अपन ज़रा बैग में से निकाल लेते हैं ब्रेड, दो एक ब्रेड ही है, ज़्यादा नहीं है। कहाँ रख दी भाई ब्रेड, ये रही ब्रेड, ये निकाल ली अपन ने ब्रेड अपनी। ओहो पानी काफ़ी ज़्यादा सूख चुका है, अपन ज़रा ब्रेड डाल दें मछलियों को। यार अभी नहीं आ रही, पहले बहुत आती थी। टुकड़े करके डाल दूँ क्या इसको? ज़रा मैं डस्टबिन में डालूँगा पन्नी को। शायद आ जाए शाम के टाइम पे, नहीं आती क्योंकि मछलियाँ हमारी क्या खरीद तोड़ी रखी मैंने कोई, ये खा जाएंगी अभी आके।
वो देखो खा रही है। तो चलो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, पहले पन्नी डस्टबिन में डाल देता हूँ। ये डाल दिए अपन ने पन्नी डस्टबिन में, चलो निकलते हैं। जहाँ भी रिएक्शन लेने के लिए मिलेगा तो अपन लेंगे। मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कोहरा कोहरा हो रहा है, ठंड लग रही है। ऑडी खड़ी है भाई आगे। चलो भाई निकलता हूँ मैं। ये लगा ली चाबी और ये चालू कर दी गाड़ी अपन ने। लेट्स गो ब्रो। इस ताज होटल को नीचे से देख रहा है अपन, एक दिन ऊपर से नीचे ज़रूर देखेंगे, जल्दी देखेंगे। ताज होटल सिक्योरिटी बड़ी कर रही है भाई इनकी, पूरे बम बम की तरह चेक होता है क्या है गाड़ी में, नीचे वो कुछ लगा कर देखते हैं। तो भाई ये सुपर बाइक देखो रेस चल रही है। और अपन निकल रहे हैं घर की तरफ। ये खड़ी है हैरियर, बहुत ही अच्छी लग रही है, मतलब ज़्यादा ही भाई। यहाँ तो बहुत सारी गाड़ी देखने को मिल जाती है मुझे। चलो भाई चलें। हेलो यो, ओ भाई अपन निकल चुके हैं घर के लिए। आप अपन जा रहे हैं सीधा घर जाते हैं, कहीं रुकने की लाइन नहीं है भाई। ये बहुत ख़राब चौराहा है, इस पर तो बहुत गाड़ियाँ ठुकती हैं। मैंने रोज़ एक एक्सीडेंट देखता हूँ, रोज़ आना एक आध दिन में नहीं, रोज़ एक एक्सीडेंट देखता हूँ मैं। डेली में एक एक्सीडेंट देखता हूँ यहाँ पे। ये देखो भाई कैसे घूर रहा है वो बंदा, घूर कह रहा है। ये देखो भाई बंदा कैसे देखे जा रहा है, पहली बार देख रहा है क्या भाई, जय माता रानी। थोड़ा सा मुझे इनकम्फर्टेबल टाइप का हो रहा है, लगाने की आदत नहीं है। और हर चौराहे पे अब चेकिंग चालू हो चुकी है भाई। थोड़े से कांच सीधे कर लिए जाए, पीछे का दिख नहीं रहा है मुझे। तो ये हो गया सही, ये भी हो गया सही। और अब थोड़ी सी खींची जाएगी गाड़ी, अभी देख सकते हो आप 30 पे है। टॉप स्पीड दिखा पाया तो दिखा दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया दौड़ मत लगा रहे बीच रोड पे। भगाने में मेरी गाड़ी का है, मतलब मेरी गाड़ी का नहीं, मेरा हेलमेट जो थोड़ा सा उड़ता है। बहुत कर रहा पिकअप अपनी 125 में 70-80 तो ऐसी चले आती है गाड़ी। आपको शायद वॉइस नहीं आ रही होगी क्योंकि पहले वाली क्लिप पे मैंने चेक करी थी, उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। ए, बहुत हैवी भक्ति भाई, बहुत खराब भक्ति है गाड़ी भाई, बहुत खराब पर लगता है कभी कभी तो, कि भाई कहीं घुस ना जाइए। रॉन्ग साइड से बंदा आ रहा है, शायद सामने चेकिंग चल रही होगी भाई, देख के थोड़ा मैं स्पीड में होता तो तेरे में घुस जाता। देखो भाई यहाँ पे रोज चेकिंग चलती है, यहाँ से एक ना एक दो बंदे कल्टी मार के भगते। रॉन्ग साइड से शायद चल रही हो, शायद शायद नहीं चल रही, बट वो कहीं और से आ रहा हो सकता। ओहो रोड का काम चल रहा है, देखो ये कटिंग डाल रखी है यहाँ पे, यहाँ से रोड कटेगा। वेरी नाइस भाई। तो अभी अपनी गाड़ी रोलिंग पे है थोड़ी सी, इसलिए मीटर बंद दिख रहा है आपको। बहुत तेज जाती है। यदि NS125 रेस देखना चाहते हो तो कमेंट करना, और कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ भाई देखना चाहते हैं। और जल्दी से 500 से 600 सब्सक्राइबर करवा दो भाई,
फटाफट और कमेंट्स में बताना कि मैंने ये जो ब्लॉग करा है मोटो ब्लॉग फ़ोन लगा के, आप लोगों को कैसा लगा, सही आ रहा है कि नहीं। क्योंकि यार अभी अपना गोप्रो का बजट नहीं है भैया। दादा ये क्या जा रहा है, देखो ज़रा सामने पानी के कैंपर कैटरिंग कैसे देख रहा है वो बंदा। मुझे ऊपर से मैं दिखा नहीं पा रहा, थोड़ा दूर होता हूँ फिर दिखाऊँगा आपको ये बंदे कैसे देख रहे हैं। चलो ज़रा साइड से निकाल लेता हूँ भाई, साइड दो। बहुत तेज भक्ति भाई, पिकअप तो बहुत कर रहा है इसका। लोग कहते नहीं भक्ति बैठ अपने लिए भाई, 90-100 भी बहुत होता है। 90-100 में इंसान का क्या हाल हो जाता है विदाउट सेफ्टी हो तो। बट हेलमेट पहनने के बाद भी हाथ पैर में लगती है भाई, तो सेफ्टी फर्स्ट। आप जब तक हेलमेट ना पहने, किट ना पहने, रेसिंग किट, तब तक भाई गाड़ी ज़्यादा भगाओ मत, रेस वगैरह मत खेलो। कोई मतलब नहीं है इतना भगा भगू के रेस खेलने का, कुछ मिलता है नहीं भाई, हाथ पैर और टूटते हैं। यार वाला चूतिया साला यहाँ से मोड़ रहा था यार, गाली निकलती है फिर मेरे मुंह से। धीरे भी चलाओ तो भी सालों को रहम नहीं आती, खाली रोड दिखता है तो साले सनसनाते हैं, हर कहीं से मोड़ देते हैं यार। सही समय पे गाड़ी रोक ली मैंने भाई, ये होता है ABS का कमाल। रुक गई गाड़ी वरना घुस जाता मैं उसके अंदर। वो मैं उसके अंदर क्या घुसता, वो मेरे अंदर बहुत गंदा घुस जाता है। ये मैंने गाड़ी की नंबर प्लेट तोड़ दी चूतियों ने साले ने, गाली निकल रही है मेरे मुंह से अब। हाँ भाई और कहीं तो नहीं भग गया भोसड़ी वाला, और कहीं तो डेंट नहीं आया यार, तो जान निकल जाएगी मेरी। एक लौती तो गाड़ी है मेरी, गाली सुनने को मिलेगी अब वैसे भी घर वालों की कि साले तोड़ लाया तू ही घुसा होगा। घर वालों की क्या, सबकी सुनने पड़ेगी यार कि मैंने भगा दी थी गाड़ी, सबको यही लगेगा कि तू ही घुसा होगा जाके भाई। पर नंबर प्लेट बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, नंबर प्लेट ने सोचो मतलब नंबर प्लेट मुड़ गई, गाड़ी को कुछ नहीं होने दिया उसने। थैंक यू बेबी भाई। हुआ यूँ कि मैंने जब स्पीड दी गाड़ी में, मतलब मैंने भगाई थी गाड़ी, उसके बाद मैंने बंद कर दी, रोलिंग पे आने लगा तो मैं साक्षी के पास, मुझे पता है भाई यहाँ नशेड़ी लोग हैं, अनछन गाड़ी मोड़ देंगे एकदम से, क्या भरोसा। तो मैंने ठीक है यार धीरे 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 चलाने लगा, मतलब 30-21 स्पीड में होंगे यार धीरे इतनी धीरे। तो जैसे ये इधर साइड में वाइन शॉप है, तो उधर से वो बंदा एकदम से ऐसे मोड़ दी, ना लाइट चालू उसकी कार की ना कुछ चालू, उसने एकदम से मोड़ दी। मैंने इधर करके पूरे ब्रेक दबा दी, उसने पूरी टिकाती हुई निकाल दी, वो पीछे साइड से घूम के और उस साइड से रास्ता था तो वो भग गया। अब मैं उसको इधर जा रहा था तो क्या पकड़ता, यदि सीधा जाता तो मैं उसको पकड़ता भी। वो खैर भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, तो अपन ने पूरे ब्रेक दबा दिए, दोनों ब्रेक, गाड़ी पूरी चू कर गई थी, मतलब आवाज़ आती ना गाड़ी में से चू करने वाली वैसी आवाज़ आ रही थी पूरी। मैंने यार ठीक है गाड़ी की नंबर प्लेट में लगी, खुद को कुछ नहीं हुआ ना गाड़ी को कुछ हुआ। भाई घर वाले तो जान खा जाते, बोलते भाई तो ये यश ने अभी इस पर ग्राफिक्स भी करवा लिए, बढ़िया सी लग रही है, चमचमा दिए, बैटमैन बनवा लिया। ओहो ऊपर भी, और इस पर क्या है, अच्छा इस पर तो वही पुराना ही रेडियम करवा रखा, बढ़िया सा यहाँ पे करवा लिया है। और अभी ये अपनी गाड़ी में बस यहीं हुआ है जो हुआ है, बाकी कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मैं अंदर आ चुका हूँ घर में, चलो। नंबर प्लेट जो थी वो पूरी ऐसी हो गई थी और यहाँ से थोड़ी सी ऐसी घुस गई थी, बट अभी मैंने इसको सीधा करा, रात में इतना ज़्यादा नहीं देखा था मैंने। पीछे से भाई इस पर टिकी थी पूरी गाड़ी, रुको मैं नंबर प्लेट सीधी कर देता हूँ पूरी। ये देखो ये पूरा जो है यहाँ से मुड़ चुका है, मेरे ख्याल से मुड़ के चुका है, टूटने की लाइन नहीं, नहीं कलर निकला है उसका भाई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो मैं भी इसको सीधा कर देता हूँ, प्लास ला के उसको भी सीधा करूँगा वरना मेरी जान निकल जाएगी। सो भाई मैं घर आ गया था, मैं थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि मेरे साथ बहुत कम ऐसे हादसे होते हैं, तो मेरे साथ जो हुआ था तो मैं उसको लेके घबरा गया था। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट टेढ़ी हुई थी थोड़ी सी। तो मैंने जो बोला था कि भाई रेस वगैरह करेंगे NS125 वर्सेस NS125, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो तो उस टाइम निकल गया मुंह से मस्ती मजाक में, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ सेफ ड्राइव।